असाइलम एक ऐसा वर्ड है जिससे हमारे देसी लोग बहुत ज्यादा वाकिफ होंगे। बड़े लोग असाइलम के जरिए बाहर शिफ्ट होने के ख्वाब देखते हैं। एक ऐसा क्रिकेटर जिम्बाब्वे का जिसने असाइलम अप्लाई किया इंग्लैंड में, वो इंग्लैंड चला भी गया और अब इंग्लैंड उसके दोनों हाथ उसके सामने जोड़ रहा है कि भाई तू इंग्लैंड क्रिकेट टीम से खेल ले, जितना टैलेंट तेरे अंदर है तू इंग्लैंड क्रिकेट को बहुत ऊपर ले जाएगा। इसी प्लेयर की स्टोरी मैं आपको बताता हूं। टवांडा मुयेई इनका नाम है, जो कि मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया है। टवांडा मुयेई ये नाम आप याद कर लें, ये इंग्लैंड से बड़ी जल्दी खेलने वाले हैं। टवांडा मुयेई जो कि ऑब्वियसली जिम्बाब्वे में पैदा हुए, वहीं पे उन्होंने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की। ये जिम्बाब्वे अंडर 13 के लिए भी खेले हुए हैं, जिम्बाब्वे अंडर 16 के लिए भी खेले हुए हैं, बल्कि जो 2018 का अंडर 19 वर्ल्ड कप था उसमें ये एज ए रिजर्व प्लेयर भी इनका नाम आया हुआ है। यानी बच्चा बचपन से ही क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन उसके पास जिम्बाब्वे के हालात देखते हुए जो हमारे टवंडा मुयेई भाई थे, इन्होंने डिसाइड किया कि हमें इंग्लैंड चला जाना चाहिए। तो ये अपनी वालदा के साथ, अपनी मदर के साथ इंग्लैंड चले गए और वहां जाके इन्होंने असाइलम अप्लाई कर दिया। असाइलम का मतलब होता है कि आप इंग्लैंड जाएं या किसी कंट्री में जाएं, आप वहां जाके केस कर दें कि जी मुझे मेरे मुल्क में खतरा है या कोई ये वजूहत हैं जिसकी वजह से मैं अपने मुल्क में नहीं रह सकता, तो मुझे इंग्लैंड की नेशनैलिटी दी जाए। ये केस जीत गए और इंग्लैंड ने इनको, इनका जो असाइलम है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब ये यूके के अंदर ही मौजूद हैं और इनको इजाजत मिली हुई है कि ये वहां पे पढ़ भी सकते हैं और छोटे लेवल पे क्रिकेट भी खेल सकते हैं। तो यहां पे इंग्लैंड में इन्होंने बचपन से जब से ये शिफ्ट हुए इन्होंने क्रिकेट खेलना वहां पे शुरू कर। मुयेई भाई ने बचपन में, मतलब पहले जब स्कूल में एडमिशन लिया इंग्लैंड में आके, तो इन्होंने पहले सीजन में, अब इंग्लैंड में स्कूल क्रिकेट बड़ी जबरदस्त है, 1100 रन कर दिए जिसमें 56 छक्के लगा दिए, 56 छक्के लगा दिए। और ये कहीं केंट ने देख लिया, केंट की जो काउंटी है उन्होंने देख लिया और उन्होंने, अब ऑब्वियसली इंग्लैंड में आपको पता है कि बड़ा सर्कल है, बड़ा सिस्टम है, वो टैलेंट को पिक कर लेते हैं। केंट ने उनको अपने पास ले लिया कि यार ये केंट से काउंटी खेलेगा ये बच्चा। अभी जो मुयेई भाई हैं, टवंडा मुयेई भाई, ये 2026 में एलिजिबल होंगे इंग्लैंड की नेशनैलिटी के लिए और इंग्लैंड खेलने के लिए ये 2027 में रेडी होंगे। लेकिन रॉब की ने और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की गवर्नमेंट से राबता किया है कि इनको जल्दी नेशनैलिटी दी जाए। यानी द ग्रेट ब्रिटेन, इनको क्यों द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, क्योंकि ये हर किस्म के बंदे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मतलब अपना फायदा है ना, तो रूल भी चेंज कर दिया है। असाइलम के रूल चेंज होंगे इस बंदे के लिए, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड गवर्नमेंट से राबता किया, यूके गवर्नमेंट से, कि इनको हमने जल्दी इंग्लैंड खिलाना है, हम 2027 का वेट नहीं करेंगे। ये असाइलम के बाद बेसिकली आपको इनडेफिनेट रिमेन टू लिव इन यूके की कैटेगरी है वो आपको दी जाती है, जिसकी आपको कभी 1 साल का दिया जाता है, कभी 5 साल का दिया जाता है कि आपको कब पासपोर्ट मिलेगा। इनको 2026 में यूके का पासपोर्ट मिलेगा और 2027 में ये इंग्लैंड खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यूके की गवर्नमेंट और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इनको जल्दी अब इंग्लैंड खिलाएगा। और हम पहले भी देख चुके हैं कि ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कैसे जोफ्रा आर्चर को जल्दी खिलाने के लिए बड़ी कोशिशें की, रूल्स भी चेंज किए। मतलब इंग्लैंड का कप्तान बेन स्टोक्स वो न्यूजीलैंड का है, इनको वर्ल्ड कप जितवाने वाला जोफ्रा आर्चर वो कैरेबियन का है, मॉर्गन इनको वर्ल्ड कप जितवाने वाला आयरलैंड का है। मतलब इनको, इनको सही द ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, जो कि मैं इन ए गुड वे कह रहा हूं कि आपका ताल्लुक जहां से मर्जी है ये आपको क्रिकेट खिला देते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट मौजूद है। अगर आपको, आपको क्रिकेट आती है, इंग्लैंड आपको नेशनल टीम से खिला देगा, अपने रूल चेंज कर देगा। आप असाइलम लेके आए हैं और फिर भी तुम खड़ा देंगे, वो फिर भी आपको क्रिकेट खिला देंगे, बस टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। इनको खिलाने की जो मेन वजह है ना, बेसिकली ही इज एन अग्रेसिव प्लेयर। मतलब 56 छक्के अगर उन्होंने स्कूल में मारे हैं, अभी केंट की तरफ से भी इन्होंने कोई 200 कुछ बोलों पे कोई 179 किया है। तो जो रॉब की हैं, यू नीड टू, मतलब आपको दोबारा याद करवाता हूं कि ये जो बेस बॉल है ये ब्रेंडन मैकेलम, रॉब की, बेन स्टोक्स, इनकी इजाद करदा चीज है। तो उनको एक और प्लेयर निचले लेवल पे नजर आ रहा है जो उनकी बेस बॉल को थोड़ा और ऊपर लेके जा सकता है, जो हैरी ब्रुक की तरह तेज खेलता है। तो ये भी एक वजह है कि वो बड़ी तेजी से उसको ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। यार मैं तो मतलब बड़ा फैन हूं इंग्लैंड क्रिकेट का, कि इनको सही द ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, क्योंकि इनके काम वाकई ग्रेट हैं। है किसी और मुल्क में इतना तप्पड़,
है किसी और मुल्क में इतनी हिम्मत के वो असाइलम वाले प्लेयर को सीधा अपनी नेशनल टीम में खिला दे। बेसिकली कोई भी जाके यूके में क्रिकेट खेल सकता है। दैट इज वाई दे कॉल देमसेल्फ द ग्रेट ब्रिटेन। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, और ये नाम याद कर लें, टवंडा मुयेई, ये बड़ी जल्दी खेलने वाला इंग्लैंड से।